हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक एसएससी हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस के, एसएससी के सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग रेलवेज और स्टेट गवर्नमेंट, जितने आसाम के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहे हैं। देखो अब ये पहला क्वेश्चन, ये सेट के क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है। देखो अब इसका मतलब ये है कि 21 है, इधर में 30 है, 30 है, 48, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? ज़रा देखो इसमें क्या होता है, अगर मैंने इसका रिलेशन देखा और इसका रिलेशन देखा, तो क्या डिफरेंस आता है? ये दोनों का मिला करके 9 हुआ और ये दोनों को मिला करके आपका हुआ था 18, ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस होगा 9 और ये दोनों का डिफरेंस होता है 18। इसका मतलब अगर 9 को मैं 2 गुना कर दूं तो 18 होता है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस देखो। अब ये रिलेशन ऐसा है, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा? देखो अब इसका और इसका रिलेशन, अगर देखो यार इधर में 8 है, इधर में 14 है, ठीक है? अब इसमें हम लोग अगर देखते 6 है, 6 ज्यादा है और इसमें होगा आपका 11 ज़्यादा है, तो इस तरह का रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह से देखो, इसका और इसका अगर देखा जाए तो ये 9 है और इसका जाए तो कितना होता है, इधर में 18 डिफरेंस है, ठीक है? ये चीज़ हो रहा है और इसमें तो 7 है और इधर में 10 है, उधर में आपका मान लो कि इधर में 6 है, 4, 8 है और इधर में तो कुछ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इधर में 26 है, 7 है, इधर में 7 है और इधर में ये दोनों के बीच में 7 हो रहा है और ये दोनों के बीच में आपका हो रहा है 8 हो रहा है, तो ये आ नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आप कैसे होगा, अगर देखो ये दोनों के बीच में 9 हो गया, डिफरेंस 9 हो गया, इसी 9 को अगर दो गुना कर देते हैं, ठीक है, तो इधर में क्या होता है, इधर में 36 होता है, बिकॉज इस 9 हो गया और ये 9 का, देखो इस दोनों के बीच में कितना होगा डिफरेंस होगा, इधर में 18 होगा, क्योंकि इसी 9 को अगर दो गुना करते तो 18 होता था, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है? सो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सक्षम रहे। सर देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसको एक नंबर होता है, बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स, ठीक है? अब ये देखो प्राइम नंबर क्या है, इधर में 23 है, ये 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होता इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, 29 है किसी से भी डिवाइड नहीं होता इसका मतलब ये प्राइम नंबर, और 37 किसी से भी डिवाइड नहीं होता इसका मतलब 37। कभी कभी कुछ कुछ नंबर से तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, जस्ट प्राइम नंबर है कि नहीं इसको देखना है। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर होगा? देखो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? अब इसमें जरा देखो, क्योंकि 37 जो 21 होता है, 37 है, लेकिन 77 जो 49 होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये 15 है। देखो अब ये 41 है, 47 है, 53, ये तीनों हमारा प्राइम नंबर है, सो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। चलो देखो देखते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मैं आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में, दूसरा क्वेश्चन देखो, इधर में है 8 से 48 का रिलेशन क्या होगा और ये 48 से 64 का रिलेशन क्या होगा, इस तरह से जरा सोच के देखो। देखो 8 इंटू अगर 6 करते हैं, 8 6 जब कितना होता है, 48 होता है, ठीक है? अब ये 48 है ना, इस 48 का रिलेशन 64 से कैसे हो सकता है, जरा देखो। अभी इसमें अगर मैं 8 8 16 करूँ तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है? अब इसमें हो नहीं रहा है। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इससे रिलेशन इसका फाइंड आउट करते हैं, इसका रिलेशन इससे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसका रिलेशन इससे फाइंड आउट करके फिर अगेन इसका रिलेशन इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? देखो 8 6 जब 48 8 8 जब 64, ठीक है? देखो 8 6 जब 48 8 8 जब 64, ऐसा भी तो रिलेशनशिप है ना, सो हम लोग को ऐसा भी गिनना है। चलो ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो इस ये मल्टीप्लाई नहीं है तो छोड़ दो, 16 34 का छोड़ दो, ठीक है? अब देखो ये 12 है, 12 2 जा 24 12 3 जा 36, इस तरह से हो रहा है 11, ये सुनो, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये 12 है, 12 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना निकलता है, 24, अगेन ये 12, अगर इसी को अगर हम लोग 3 करते हैं कितना होगा, 36 होता, तो हमारे ये 36 है, क्योंकि इधर में 8 का मल्टीपल है तो ये 12 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये दोनों जो है ये 12 का मल्टीपल है, वो दोनों जो है 8 का मल्टीपल है, इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। जरा देखो इसमें क्या होता है, 3 है, 7 है और या 15 है, इसको देख करके पता चल रहा है एक बात है, 3 2 जा अगर हम लोग देखते हैं 6 6 प्लस 1 7 होता है, 7 2 जा 14 14 प्लस 1 15 होता है, ठीक है? अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, +1 +1 किया गया है, ठीक है? देखो अब 7 2 जा इससे तो हो रहा नहीं है, 4 2 जा 8 हो रहा है, ठीक है? अब 8 2 जा इस तरह से हो नहीं रहा है, 5 2 जा 10 ये हो नहीं रहा है, उसका 7 2 जा 14 ये हो नहीं रहा है, लेकिन एक बात है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 में एक बात है। अब क्या बात है इसमें, देखो 3 2 जा 6 प्लस 1 इसमें प्लस हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें माइनस हो रहा है,
ठीक है, लेकिन पैटर्न तो वही फॉलो किया ना, तो हम लोग को क्या करना है कि पैटर्न को पकड़ना है, हम लोग को पैटर्न को देखना है। इसमें हो सकता है प्लस क्या, लेकिन इसमें हो सकता है कि माइनस क्या। देखो एनालॉजी ऐसा नहीं होता कि हम लोग कुछ भी करके ये करेंगे, देखो बेस्ट ऑप्शन हमेशा उसमें से निकल रहे, लेकिन ये इतना ऑड है ना, कुछ नहीं रिलेशन ही नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें एक चीज दे रहा है, क्या दे रहा है देखो, 5 2 10 -1 9 9 2 18 -1 17 निकल रहे ना, सो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इधर में 3 है, 18 है, इधर में 36 है। देखो 3 6 18 होता है, ठीक है, 18 2 36 होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें एक और बहुत आसान से मिल गया, 3 6 18, ठीक है, तो इसमें 12 6 72, लेकिन इसका इसका रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। चलो देखते हैं इसमें 4 6 24 24 2 ठीक है, 24 2 48 निकल रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 देखो 4 6 इस तरह से, इसमें 6 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। इस तरह से ये तो कोई रिलेशनशिप, 7 6 42 से इसमें कोई रिलेशनशिप बन नहीं रहा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देखो ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 63 है ना, इसका मतलब देखो ये एक ही नंबर का डिविजिबल है, जैसे ये 7 9 63 होता है, अगर ये देखो इसमें 49, ये 7 7 49 होता है, अब इसमें देखो ये 7 5 35। अब देखो राइट हैंड साइड वाला का देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड वाला का अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे होगा, देखो अगर से ओनली राइट हैंड साइड का, ठीक है, अगर हम लोग ओनली राइट हैंड साइड का देखते हैं तो कैसे होगा, जरा देखो इसमें अगर ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है, दो दो इंक्रीज कर दो, 5 2 इंक्रीज करो, 7 7 से 2 इंक्रीज करो, 9 हो जाता है, इस तरह से ये 7 7 7 कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इधर में देखो, इधर 9 9 81, ठीक है, 7 9 63, 5 9 45, ठीक है। अब देखो इधर में 81 को करते, देखो ये 81 है, 63 है, उधर में होगा 45 है। इसमें क्या कर सकते हैं, इधर में 9 × 9 कर देते हैं, और इसमें क्या होता है 9 × 7 करते हैं, और इसमें क्या होता है 9 × 5 करते हैं। अब राइट हैंड साइड का साइड वाला का अगर हम लोग देखते हैं, राइट हैंड साइड वाला का हमें क्या मिलेगा, देखो राइट हैंड साइड वाला का हमें क्या मिलेगा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड वाला, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया और ये आ गया, इससे हमें 2 बढ़ाया ये, और इससे हमने 2 बढ़ाया ये। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल हमें ये मिल रहा है, ये 9 कॉमन आ गया, ठीक है, ये 9 कॉमन आ गया, इसका मतलब है हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि पैटर्न तो यही फॉलो किया है, एग्जैक्ट पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो ये 64 जो है 8 8 64 होता है, लेकिन इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दूसरा में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में, दूसरा क्वेश्चन जरा देखो, इधर में 2 है, 14 है, इधर में 16 है, 2 14 और 16 में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, जरा देखो 2 7 14 होता है और 2 8 16 होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन इसका, 3 7 21, इसी तरह से अगर 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, चलो ये भी हो सकता है, और एक कुछ हो सकता है 4 4 16, इसमें ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, उसका फिर इधर 2 का मल्टीप्लाई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 7 14, 2 8 16, इस तरह से 3 × 7, 3 7 कितना होता है 21 होता है, और इसी तरह से 3 8 3 × 8 कितना होता है 24 होता है, तो हमारा आंसर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। इसी तरह से पैटर्न फॉलो किया, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में, दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारे होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, देखो आप इसको देख करके ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान होता है। अब जरा देखो इसमें ये जब भी नंबर ना, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड में हो गया, सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट में हो गया, इस तरह का होता है, कुछ भी करने पड़ते एक स्टेप का आंसर होता है ये। देखो अब इसमें देखो 6 × 6 6 6 कितना होता है 36 होता है, इसी को उल्टा कर दो, 6 हो गया इधर में 3 हो गया, ठीक है, ये 36 हो गया और 63 हो जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से आंसर दिया जाता है। अब जरा देखो इसमें क्वेश्चन 8 8 64, इसका 4 6, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 7 7 49, 9 4 होना चाहिए था, इसमें ऐसा नहीं है,
9981 इस तरह से नहीं, 11 जो 121 होता है, इस तरह से कुछ नहीं था हमारे से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो एपिसोड है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, रेगुलर अपडेट दे रहे हैं बैंक वैकेंसी के लिए भी, और काफ़ी सारे जो वैकेंसी जो आ रहे हैं लेटेस्ट वैकेंसीज, उस वैकेंसीज के लिए भी हम अपडेट करते रहेंगे आपको। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।